हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट जरब सॉल्यूशनिस्ट। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने इस चैनल पे। केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस बहुत ही रेपुटेड स्कूल्स हैं ये इंडिया के, और यहाँ पर एडमिशन के शेड्यूल्स आ चुके हैं 2021 के लिए और 2022 के लिए। और अगर आप इस तरीके के एडवर्टीजमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं, या अगर आपके घर में कोई बच्चा है जिसको एडमिशन लेना है, तो ये नोटिफिकेशन आपके लिए है। जनरली मैं ऐसे वीडियोस नहीं बनाता हूँ, लेकिन चूंकि केवीज जो है वो इंडिया के अच्छे स्कूल्स में काउंट होते हैं, और जहाँ पर आपको एक अच्छी एजुकेशन, बहुत ही सस्ती एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलती है, इसलिए आप अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं, ताकि उन्हें इस वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस का एडमिशन शेड्यूल, जो कि 2021 के लिए आ चुका है। इसका जो लास्ट डेट रहेगा वो 29 अप्रैल रहेगा, क्योंकि इसका ओपनिंग डेट है मार्च का फोर्थ वीक, जो कि अभी चल रहा है। तो मार्च फोर्थ वीक में ये स्टार्ट हो चुका है। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम चैनल नेट जरब सॉल्यूशन से ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे कोर्सेज ज्योग्राफी के, एनटीए यूजीसी नेट की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं, तो इनको ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको कंप्लीट 100% सिलेबस कवरेज मिल जाता है। साथ ही साथ आप रेफरल कोड अभिषेक जी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अनअकैडमी पे कई सारे क्रैश कोर्स, बैच कोर्सेज जो हैं वो लाइव हो चुके हैं। आप इनका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसमें आपको 1 मंथ से लेकर के 12 मंथ तक के प्लान्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन के लिए रेफरल कोड यूज करना होगा अभिषेक जी फॉर एडिशनल 10% डिस्काउंट। कोई भी क्वेरी होगी तो आपके पास मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगे ही। इसके अलावा अनअकैडमी फ्री में क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है फॉर मई 2021 एग्जामिनेशन एनटीए यूजीसी नेट के लिए, जो 5th अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपको मेरी क्लासेस 5th अप्रैल से मिलेंगी, जिसमें मैं ज्योग्राफी और पेपर 1 पढ़ा रहा हूँ, एब्सोल्युटली फ्री। आपको इसके लिए प्लस क्लासेस सब्सक्रिप्शन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। अनलॉक कोड अभिषेक जी आप यूज कर सकते हैं। तो गाइस, चलिए आपको बताता हूँ मैं कि केवीज जो है वो कहाँ और किस तरीके से। देखिए, यहाँ पर आप देखो, ये ऑफिशियल वेबसाइट है केंद्रीय विद्यालय संगठन की, ठीक है, केवीएस संगठन .nic.in पे। आपको इसमें आना है अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, कुछ ऐसा ये ओपन होगा, और यहाँ पर आपको आना अनाउंसमेंट के निचले सेक्शन में, जहाँ पर लिखा हुआ है केवीएस एडमिशन शेड्यूल और केवीएस एडमिशन गाइडलाइंस। आपको इसी शेड्यूल और गाइडलाइन में लिए चलता हूँ। ये रहे शेड्यूल फॉर द एडमिशन। यहाँ पर देखा जाए तो 21-22 के लिए यहाँ पर एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। दरअसल ये फोर्थ वीक ऑफ मार्च से स्टार्ट होना है, जो कि फोर्थ वीक ऑफ मार्च ऑलमोस्ट डन है, 31st है। आपके पास अभी काफ़ी समय है, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है वो 19 अप्रैल को रखी गई है, ठीक है। और ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो काफ़ी समय, आपके पास 20 दिन का समय है, आराम से अप्लाई कर सकते हैं आप। देखिए, इस वीडियो के बनाने के पीछे के मेरा जो उद्देश्य था वो ये है कि मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकूं, क्योंकि इंडिया में स्कूल्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अच्छे स्कूल्स में एडमिशन नहीं मिलता है स्टूडेंट्स को। और अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो बच्चों की स्कूलिंग बहुत ज़रूरी है। आप अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में पढ़ लीजिए, आप कहीं पर भी पढ़ लो, लेकिन अगर आपकी अच्छी स्कूलिंग नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं उसका एक ड्रॉबैक हमें पूरे लाइफ टाइम देखने को मिलता है, पूरे एकेडमिक करियर में देखने को मिलता है। तो इसलिए अच्छे स्कूल्स में एडमिशन पाना हम हर किसी का सपना होता है, मेरा भी रहा है, आपका भी रहा होगा, और आने वाले जो जनरेशन है उनके भी होंगे। तो जो भी ऐसे लोग ज़रूरतमंद हो, आप उन्हें बता सकते हैं कि इसका कंप्लीट स्टार्ट हो चुका है एडमिशन प्रोसीजर, आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। इसके लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। क्लास 1 का यहाँ पर एडमिशन होगा, इसके अलावा क्लास 11th के भी एडमिशन यहाँ पर हो रहे हैं, ठीक है, और 9th के भी एडमिशन हो रहे हैं, राइट। इन सभी के लिए सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सारे ही शेड्यूल्स जो हैं वो आपके अप्रैल मंथ में ही हो जाएंगे, मतलब कि एडमिशन्स वगैरह भी आपके अप्रैल मंथ में ही शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। इसमें देखिए, एडमिशन के लिए कई सारे कैटेगरीज हैं, क्लास 11th के लिए भी है, यहाँ पर सारा कुछ है, ठीक है। एडमिशन का, इसमें एडमिशन के लिए कई सारे प्रोसीजर्स हैं, जिन प्रोसीजर्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। डेफिनेटली सबसे पहले आपको ऑनलाइन इसमें आप अपना पंजीयन यानी कि रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा,
उसके बाद आपके जो बच्चों के एकेडमिक करियर्स वगैरह होंगे, अगर एक्सेप्ट वन क्लास के लिए अगर आप कर रहे हो तो, बाकी के लिए आपके एकेडमिक करियर्स के जो रिकॉर्ड्स होंगे वहाँ पर देने होंगे इसके लिए। देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है, और भी आपको बहुत सारे इसमें रिजर्वेशन वगैरह मिल जाते हैं अगर आप बिलोंग करते हैं एसटी एससी या उन कम्युनिटीज से जिनको इंडियन गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन के कैटेगरीज में रखा हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो एलिजिबल एज यहाँ पर रखा गया है 31 मार्च तक काउंट होगा, आप यहाँ पर देख सकते हो मिनिमम एज यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, 5 ईयर होगा क्लास वन के लिए, क्लास टू के लिए 6 ईयर होगा, क्लास सेवन के लिए 7 to 9 ये मिनिमम हो जाएगा और ये मैक्सिमम हो जाएगा ईयर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ईयर्स कैसे होगा, देखिए बच्चों का जो भी डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट बनता है उन्हीं से काउंट होते हैं ये। सो वन से लेकर के आपके सारे क्लास टेंथ तक के यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो टेंथ तक के लिए मिनिमम 14 ईयर और मैक्सिमम 16 ईयर की एज लिमिट जो है वो यहाँ पर रखी गई है। इसके अलावा किसी भी तरीके का कोई भी रिस्ट्रिक्शन, एज रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं है क्लास इलेवेंथ के लिए, इसीलिए क्लास टेंथ तक दिया हुआ, इलेवेंथ के लिए आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। देर इज नो अपर और लोअर एज लिमिट फॉर द क्लास इलेवेंथ। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे डिटेल्स दिए गए हैं क्लास स्ट्रेंथ के बारे में, बस सिंपली मुझे ये बताना था आपको। रिजर्वेशंस वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाती हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। ठीक है, और डिफरेंटिएबल कैटेगरीज के लिए भी यहाँ पर इसमें रखे गए हैं आपके जो सीट्स हैं वो रखे गए हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन हमारे देश में कुल 1245 है, 1245 केंद्रीय विद्यालय हैं। इतने केंद्रीय विद्यालय संगठन है, आप अप्लाई कर सकते हैं जिस रीजन से आप बिलोंग करते हैं, डेफिनेटली आप अपने घर के आसपास ही अप्लाई करोगे। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दिलाने की, और आप एक अच्छा स्टेप ले सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को एक बेहतरीन स्कूल्स में एडमिशन दिलाने की, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय के बच्चों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, स्पेशली स्पोर्ट्स वगैरह में भी, और बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल्स या नेशनल्स कोई भी इवेंट्स होते हैं तो उनमें पार्टिसिपेशन करने का बेहतरीन चांस होता है। ठीक है, ये सारी बातें हैं जो आप लोगों को अपने जो भी नॉन लोग हैं, बस आपको इतना करना है, इस वीडियो को शेयर कर देना है ताकि उन लोगों तक पहुंच सके जिनके बच्चे एडमिशन चाहते हैं अच्छे स्कूल्स में जैसे केंद्रीय विद्यालय वगैरह में। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और पहली बार चैनल पर आप वीडियोस देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियोस में। चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।